हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, लेकिन अभी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है स्टॉक में बहुत अच्छी गिरावट हुई है। और आज के सेशन में देखें तो भी स्टॉक में 1% से ऊपर की गिरावट हुई है, तो ये हमारे पास एक अच्छा मौका है कि इस स्टॉक में हम पोजीशन बना सकते हैं। किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा, चार्ट पर लेवल्स बताने वाला हूँ कि कहाँ पर इस स्टॉक का सपोर्ट आ रहा है और कहाँ से हम स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हमें 10 या 15 साल के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके क्वार्टरली और ईयर वाइज रिजल्ट जो है थोड़े खराब आए हैं, तो किस तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। इसके रिटर्न एनालिसिस भी करने वाले हैं, कितना रिटर्न बना के दिया है इसने पास्ट में और आगे कितना रिटर्न बना के आपको दे सकता है, तो पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस कंपनी ने पिछले 10 साल में जो है 1900% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया, यानी कि 1900%। तो इस कंपनी में अगर 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए भी लगा कर रखे होते तो आज उसका अमाउंट जो है 19 लाख रुपए बन चुका होता, जो एफडी से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। तो इक्विटी मार्केट में हमेशा एक अच्छे स्टॉक और एक अच्छे बिजनेस वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमेशा आपका अच्छा पैसा बनेगा। ये जितना ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा उतना अच्छे तरीके से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मार्केट कैप, देखिए 42,020 करोड़ का है, तो लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 671 का यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन आज के सेशन में जो है मार्केट में गिरावट हुई है 1% से ऊपर की, तो 660 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। आगे हम इसका करंट प्राइस भी देख लेंगे। 52 वीक हाई जो बनाया है 806 रुपए का बनाया है, 52 वीक लो बनाया है 549 रुपए का। डिविडेंड यील्ड कंपनी का अच्छा है, 0.67% का है। कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 1 से कम है, तो ये भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है, 1 से कम ही होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक और हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक को छोड़कर किसी भी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम ही होना चाहिए। टोटल कर्जा अगर कंपनी पे देखें तो 94.50 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 95 करोड़ का अगर कंसीडर करते हैं, तो उसके कंपेयर में कंपनी के पास जो बैकअप मनी पड़ा हुआ है वो 4,180 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग शानदार है, 60% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, एक भी शेयर कंपनी का गिर भी नहीं है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, तो फंडामेंटल पैरामीटर तो स्ट्रांग लग रहे हैं। अब देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके का रहा है। तो सेल्स देखिए, सेल्स में जो डाउनफॉल आया है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, वहां पर भी 323 करोड़ से 276 करोड़, यहां पर भी डाउनफॉल आया है। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपैरिजन करेंगे तो 312 करोड़ से 276 करोड़ का हुआ है, तो नेचुरली क्या होगा इसके नेट प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो नेट प्रॉफिट देखिए आप 207 करोड़ से 174 करोड़ का है, तो कंपनी के प्रॉफिट में जो है गिरावट आई है, जिसके कारण कंपनी के प्राइस में लगातार जो है डाउनफॉल आ रहा है। तो क्वार्टरली ट्रेंड कंपनी का अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार है। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज, देखिए टीटीएम से अगर कंपेयर करें तो सेल्स बढ़ा है, फिर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 1196 करोड़ से 1156 करोड़ का हुआ है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट है लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। फिर आप देखिए नेट प्रॉफिट 792 करोड़ से 755 करोड़, तो इतना भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ इस कंपनी में कि हम इस कंपनी से बिल्कुल एग्जिट ही कर जाएं। अर्निंग पर शेयर भी अभी भी 12 रुपए का है और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा दे रही है। और लास्ट 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आप शानदार इसने रिटर्न बना के दिया है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 17.36% का है,
प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 18.46% का, ये आपको मैं कंपाउंड बता रहा हूँ, स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 10 साल का देखिए 35.60% का है, तो बहुत ही जबरदस्त है, लॉन्ग टर्म के लिए आइडियल कंपनी है। अगर इस कंपनी में गिरावट हो रही है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक में हम बाइंग पोजीशन बनाए, और ROE भी 20.59% का मेंटेन किया है, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और स्टॉक मार्केट में ऐसा हमेशा होता है कि एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का भी कोई ना कोई बेड फेज जरूर आता है, तो वो साल ये वाला आया है कि कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली देखें दोनों में प्रॉफिट में डाउनफॉल है, तो एक साल को देखकर इस कंपनी को जज नहीं कर सकते। आप देखिए ये वाला साल देखिए, मार्च 2016 में नेट प्रॉफिट देखना 712 करोड़ का था, और फिर 2017 में देखना 539 करोड़, कंपनी ने वापस 2018 में देखिए 713 करोड़ का प्रॉफिट बना के दिया। तो इस कंपनी का बिजनेस इतना जबरदस्त है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको जबरदस्त रिटर्न बना के दे सकती है। रिजर्व्स मैंने आपको बता दिया 4180 करोड़ का, टोटल असेट्स कंपनी की 7228 करोड़ की है, कैश फ्लो देखें तो पॉजिटिव है। कंपनी का मैं आपको नाम बता देता हूँ, कंपनी के बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हेवल्स इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1983। हेवल्स इंडिया लिमिटेड इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स FMEGA, बहुत जने क्या करते हैं इसको FMCG में कंसीडर कर देते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बताती है। और इसकी साइट पर आप देखिएगा इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं हेवल्स, और अभी दीपावली भी आने वाली है, तो इनका सेल्स ऑटोमेटिकली जो है अब होने वाला है, और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको ये कंपनी बना के दे सकती है। इसका रिटर्न देखिए आप, लास्ट 10 साल में 1936% का रिटर्न बना के दिया है, यानी कि 1936% का रिटर्न, और 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 148% का रिटर्न है। इस महीने यहाँ तक ईयर टिल डेट तक देखिए तो इस कंपनी में गिरावट हुई, और एक वीक में 5% से ऊपर की गिरावट हुई है। तो ऐसा कभी आपको अच्छी कंपनी में हेवल्स जैसी कंपनी में अगर गिरावट मिलती है तो यहाँ पर हमें पैनिक होकर एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना है। 663 का अभी करंट प्राइस चल रहा है, 330 पर कहाँ पर क्लोजिंग होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके आसपास ही क्लोजिंग होने वाली है 663 पे, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चार्ट पर डिस्कस कर लेंगे। पी इसका हाई है तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है वो चार्ट पर देखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने बता दिया आपको पहले से ही कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम, तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आप रेड कलर, ये रेड में देख के इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिट कर जाए। FIs ने होल्डिंग घटाई और म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग घटाई है, अदर DIs ने होल्डिंग बढ़ाई है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। फिर अगर आप देखेंगे तो 489 FIs का पैसा लगा हुआ है, 24 म्यूचुअल फंड ने भी इस स्टॉक में पैसा लगा कर रखा है, तो अच्छे म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगाया हुआ है इसमें। फिर अगर आप देखेंगे इसका चार्ट देखिए, तो चार्ट पर अगर हम देखें इस स्टॉक को तो ये है मंथली चार्ट पर स्टॉक को लगाया हुआ है, एक कैंडल जो है एक महीने की कैंडल है, यानी कि इस महीने में अगर देखें तो गिरावट हुई है और अच्छी खासी गिरावट हुई है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ 10 EMA के आसपास स्टॉक आ जाए तो खरीदारी करना चालू कर देना चाहिए। तो 695 का प्राइस है और 695 से नीचे जो है स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि डाउन फॉल हुआ है इसकी प्राइस में। और अभी देखें तो अभी मैंने आपको बताया था 663 का प्राइस चल रहा है। एक जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज ये पर्पल कलर की लाइन देखिएगा आप, इसका जो लेवल आ रहा है वो 609 रुपए का लेवल आ रहा है और अभी 660 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस स्टॉक में अभी से SIP करना चालू कर देना है, बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। थंबनेल में आपने देखा होगा 3000 रुपए हर महीने आप लगा सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक में आप 5 से 6000 रुपए भी लगाएं हर 3 से 4% की गिरावट के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बता देता हूं, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है आप देखिए 3 महीने की लगातार कैंडल ने इस लाइन को टच किया है, जो मैंने ये अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, और इसके अकॉर्डिंग आ रहा है 620 का लेवल।
तो इसमें गिरावट जो है लिमिटेड है अब और रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी से अगर स्टॉक को खरीदना चालू कर दिया आपने तो आपको जबरदस्त रिटर्न ये कंपनी बना के दे सकती है और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अच्छे से स्टॉक के बारे में डिस्कस कीजिए, इसकी वेबसाइट पर जाइए, इसके प्रोडक्ट देखिए, क्योंकि इसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है हमेशा रहने वाली है। एवरग्रीन इस कंपनी का बिजनेस है और जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा वो कंपनी ऑटोमेटिकली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के देगी। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।